महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में दहिसर सीट महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह विधानसभा क्षेत्र मुंबई सबर्बन जिले का हिस्सा होने के साथ साथ मुंबई के नॉर्थ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी शामिल है। तो वहीं कांग्रेस के अरुण सावंत दहिसर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अरुण सावंत पिछले 15 सालों से दहिसर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। दहिसर के लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं। अरुण सावंत को दहिसर के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह अरुण सावंत 15 सालों से दहिसर के लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, उसी तरह अगर विधानसभा चुनाव में दहिसर के विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देगी और वो चुनकर आते हैं तो जनता से किए गए वादों पर खरा उतरेंगे। देखिए, सिर्फ ये इस विभाग में ही नहीं, पूरे इंडिया में अरुण सावंत का काम है, पूरे इंडिया में। लेकिन आप बात चल रही यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा की, तो मैं महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में बात करूँगा। इस पूरे मुंबई में, इस पूरे दहिसर में अरुण सावंत नाम हर घर घर में गए। हर गरीब, हर ठेले वाला, हर रिक्शा वाला, हर दुकान वाला आपको बोलेगा कि अरुण सावंत का नाम क्या है। इस पूरे विभाग के क्षेत्र का पूरा मुझे अभ्यास है और यहाँ की गलियों के बारे में, यहाँ के रास्तों के बारे में, यहाँ के बच्चों के एजुकेशन के बारे में, यहाँ की पानी की समस्या, रास्तों की समस्या, बिजली की, एक्चुअली नगर सेवक का काम होता है। लेकिन पिछले 22 सालों में मैंने नगर सेवक के काम के ऊपर भी ध्यान दिया है और विधानसभा मतलब एक आमदार का क्या काम होना चाहिए इसके ऊपर भी मेरी नज़र है। मेरा पहला अभी ये मानना है कि इस विभाग में एक सबसे बड़ा अस्पताल और सबसे बड़ा कॉलेज खुले और वो मैं खोल के दिखाऊँगा, क्योंकि ये काम आमदार का होता है। गलियाँ, नाले, साफ सफाई, ये नगर सेवक काम होता है। लेकिन एमएलए बनने के बाद मैं वो भी काम करूंगा, किसी को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं नगर सेवक हमारे यहाँ के नाकाम है, इसलिए आज जनता कंप्लेंट करे कि यहाँ की गलियाँ साफ सुथरी नहीं, गटार बह रहे, बच्चे गिर रहे। लेकिन वो काम भी एमएलए होने के नाते के मैं वो भी जिम्मेदारी अपने आप पर लूंगा और जनता को न्याय दूंगा मैं। अभी कुछ जनता का यहाँ पर कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि जब चुनाव आता है ये नेता हमारे पास तो आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है हम घंटों लाइन लगाते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, ऐसे जो अभी है मौजूदा लोग, तो वो लोग मिलने से मना कर देते हैं, वो बिल्डर से मिल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये प्रक्रिया कहीं आपके लिए भी तो नहीं आएगी, ये चीज़ें आपके लिए भी तो कोई नहीं बोलेगा? आपने बिल्कुल सही कहा है कि जनता को मैं सुन रहा हूँ। जनता कहती कि हर नेता यहाँ पर आता है और बड़े बड़े वादे करके जाता है, लेकिन जनता को मैं ये बता रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। आज 22 साल की सेवा के बाद कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ न्याय किया है और जनता को मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ न्याय करें और मुझे आप चुन कर दें, मुझे आप विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर भेजें। मैं एमएलए नहीं तो आपका प्रतिनिधि बनकर महाराष्ट्र के विधान भवन में दहिसर के लिए आवाज़ उठाऊँगा और दहिसर की जनता के लिए जो हक है, बच्चों के जो हक है, यहाँ के महिलाओं के जो हक है, यहाँ के गरीबों के जो हक है, यहाँ के माता भगिनी वृद्धों के जो हक है, उसके लिए मैं लड़ूंगा और जीआर निकल के मेरी जनता को न्याय दिलवा दूंगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।